बाराबंकी जिले में दूसरे चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं, क्योंकि बाराबंकी ज़िले की 13 नगर पंचायत सहित एक नगर पालिका परिषद के चुनाव पर जो प्रत्याशी हैं उनमें लगातार घमासान मचा हुआ है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से नगर पालिका परिषद की जो उम्मीदवार हैं उनको जो है घोषित कर दिया है, यहाँ की जो है उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी ने शीला सिंह को बनाया है। इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो यहाँ के विधायक सुरेश यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी की बाराबंकी सदर सीट से काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो आइए उनसे ही बातचीत करते हैं कि जो अन्य जो 13 नगर पंचायत है उस पर क्या है, और जो नगर पालिका परिषद की जो यहाँ की उम्मीदवार बनाई गई हैं उनको लेके इस बार जो आगे विजयी है उस पर क्या कुछ रणनीति चल रही है। विधायक जी, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका का जिस तरह से जो चर्चा में चल रहा था, पार्टी में तमाम सारे कैंडिडेट थे, तो ये पार्टी ने निर्णय लिया, आपकी अहम भूमिका इसमें मानी जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी अनुशासन के तहत, और ख़ासतौर से आपने देखा होगा कि हमारे बारे में आप हमारे बहुत पुराने साथी हो, परिचित भी हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अगर पूरा एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा के काम हम लोग करते हैं। और रही बात की प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी अगर हम गौर से सोचें तो नगर पालिका परिषद में प्रत्याशी बहुत सोच समझ के सभी सहमति से, सभी कैंडिडेट की सहमति से हुआ है। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो बागी और बगावत करने वाला हो। बाराबंकी में पहले ही से, क्योंकि जो है तब कई दावेदार थे, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो उनको कैसे मनाएंगे? नहीं, वो सब मान चुके हैं। और अगर निर्दलीय कोई लड़ना ही चाहता है तो ये स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में किसी को भी चुनाव लड़ने की किसी प्रकार से आज़ादी है, और इसमें हर प्रकार से, लेकिन ज़्यादातर जिनके बारे में आप लोग समझ रहे थे जो सशक्त प्रत्याशी हैं वो कोई भी नहीं लड़ेंगे। वो सब बैठ के आपस में बातचीत सहमति से हुआ, और सब कुछ टिकट सहमति से हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच बैठ के बात हुई हम लोगों की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिएगा कि पहले तो हम लोग नगर पंचायतें तो खूब जीतते थे, और भगवान चाहेगा तो इस बार हम लोग नगर पालिका भी जीतेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे। विधायक जी, आपके भाई धर्मेंद्र यादव का भी नाम चल रहा था, प्रचार प्रसार में भी वो थे, तो इस बार क्या कुछ कैसे उनको मनाएंगे, क्योंकि उनका भी एक शहर में रोल है। देखिए, आज ये जो घोषणा हो रही है ये किसी न किसी सहमति के आधार पर ही हो रही है। और इसमें आप निश्चिंत रहिए कि धर्मेंद्र भाई हैं और पूरी तरह सहमत है, और साथ में इनके मदद करेंगे, पूरी तरह से मदद करेंगे हम लोग। विधायक जी, यहाँ क्या कुछ खासियत आपको क्या लगता है कि यहाँ तमाम सारे मुद्दों को लेके जो है जनता वोट करती है, इस बार आपके कैंडिडेट यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, तो क्या आपको भी तमाम सारे विकास करवाने होंगे तमाम सारे, तो क्या कुछ खास यहाँ है? देखिए, खास क्या है, आपने देखा कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो स्ट्रीट लाइटें तक नहीं थी नगर पालिका में, हमारा चेयरमैन नहीं था, उससे पहले भी नहीं था, स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी शहर में। रात में आप GIC स्कूल के पास नहीं चल सकते थे, ना ऑडिटोरियम था ना कुछ भी था ये नगर पालिका। तो नगर पालिका ने काम तो कुछ नहीं, जब 12 से 17 एक बार मौका मुझे जब मिला तो शहर में बहुत सा विकास हुआ। और आप यकीन जानिए कि मोहल्लों में सफाई देख लीजिए, चाहे किसी भी जरा नालियों की बजबजाहट देख लीजिए, गंदगी देख लीजिए, जल भराव देख लीजिए, जो मूल समस्याएं हैं उन पे भी पूर्व के चेयरमैन साहब पूरी तरह से काम नहीं कर पाए। और उनका जो काम रहा है वो आज कहने वाला नहीं है, वो फिलहाल उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आप देखेंगे एक नया कीर्तिमान अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीतता है तो शहर का एक नया रूप हम आपको दिखाने का काम करेंगे। विधायक जी, बड़ी समस्या है जल भराव की, जमुरिया नाला जब जो है भरता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तमाम सारी होती, कई कॉलोनियां डूब जाती हैं, बड़ा जो है एक मुद्दा रहा है, तो कैसे? हम लोग पत्र लिखते हैं, सरकार में नहीं हैं, लेकिन जब सरकार में थे तो हम लोगों ने एक बार सफाई भी कराई थी, जमुरिया नाले की भी सफाई कराई थी, पुल डबल कराए, कई पुल बनाए, 7 पुल बनाने का काम किया समाजवादी सरकार में हमने अपने शहरी क्षेत्र में। और रही बात जमुरिया नाले की,
तो अभी तक आपने देखा नाले क्या रूप था, और 13 तारीख के बाद अगर ईश्वर चाहेगा तो देखिएगा जमुरिया में हम लोग क्या करते हैं। जमुरिया नाला जबकि बाढ़ कार्यखंड के अंतर्गत आता है, लेकिन साफ सफाई तो हम लोग करा ही लेंगे उसकी। और रही बात की आगे आने वाले समय की, तो शहर में यकीन जानिए शहर का बदला हुआ रूप नज़र आएगा। मलिन बस्तियों में आपको साफ़ सफाई बेहतर नज़र आएगी। ऐसा नहीं है कि किसी VVIP के दरवाजे तो चूना छिड़क जाए और झाड़ू लग जाए, किसी गरीब के दरवाजे नाला बहे, ये नहीं होगा अपनी सरकार इस हमारी चेयरमैन के साथ। तो देखिए ये थे समाजवादी पार्टी के जो सदर से विधायक हैं, और इनकी जो है सीट है काफ़ी चर्चा में अक्सर रही है, क्योंकि लगातार ये जो है इस सीट पर ये काबिज रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है इस सीट पे शीला सिंह को, जो है इस बार नगर पालिका परिषद का अपना उम्मीदवार बनाया है। और कहीं ना कहीं लोगों में ये एक चर्चा भी है कि इस बार कुछ कहीं ना कहीं बदलाव होने की संभावना दिख रही है। फिलहाल आने वाला समय क्या कुछ कहता है ये देखने वाली बड़ी बात होगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में नगर निकाय चुनाव को लेके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वैसे तो यहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी अपने अपने कैंडिडेट उतारने का दावा किया है, साथ ही साथ और भी तमाम सारे ऐसे निर्दलीय दल हैं जो जीत करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कुछ इस बार जो है जादू करेगी, उसका जो है परिणाम 13 के बाद ही नज़र आएगा। हमारे साथ इस वक्त बाराबंकी के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अयाज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि नगर पालिका परिषद के साथ साथ जो 13 नगर पंचायत हैं इस पे एक बड़ा सवाल है, और साथ ही साथ आगे आने वाला जो चुनाव है उसको लेकर भी एक बड़ी उम्मीद भी पार्टी को नज़र आ रही है। आया जी, ABP गंगा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं इसको लेकर भी पार्टी ने जिस तरह से जिम्मेदारी दी है, तो क्या सर लग रहा है कि इस बार अभी यहां से आपने कैंडिडेट उतार दिया है, 13 में क्या कुछ चर्चा चल रही है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक पैनल बनाया था जिसमें विधायक पूर्व मंत्री पूर्व सांसद और पार्टी के सीनियर नेता एक साथ बैठ करके जनपद के अंदर जितने भी आवेदन आए हैं उन आवेदनों पर विचार करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दें। हम लोगों की बैठक हुई, बैठक में हर नगर पालिका और नगर पंचायत में 3-3 नाम सेलेक्ट किए गए, उन तीनों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भेज दिया गया, और वहाँ पर सहमति के बाद नगर पंचायत और नगर पालिका के प्रत्याशियों की घोषणा बारी बारी से होने जा रही है। उसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नगर पालिका शीला सिंह जी को घोषित किया गया है। आप इनके बारे में जानते हैं कि ये 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, इनके पति प्रमुख रह चुके हैं, और इनके घर में 3 बार विधायक और 2 बार मंत्री भी इनके बड़े भाई रह चुके हैं। ये बहुत शरीफ परिवार है। और नगर पालिका परिषद के अंदर अगर बात की जाए तो नगर पालिका परिषद के अंदर हमारे पास जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, टिकट मांग रहे थे, उन सब की सहमति से ये टिकट घोषित किया गया है। तो इससे आप जानिए कि कितनी मजबूत दावेदार थी इनकी और कितनी मजबूती के साथ जनता के बीच जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है जिसकी वजह से अभी तक उनको प्रत्याशी ही नहीं मिला। अब उनकी बात अगर हम काम करें कि भी प्रत्याशी घोषित नहीं हो टाल मटोल करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले तैयारी कर ली थी, बूथ से हो, सेक्टर की हो, या समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी की हो, हर लाइन में समाजवादी पार्टी अव्वल रही है। और समाजवादी पार्टी ने आज नगर पालिका परिषद की जो उम्मीदवार थी उसे जो है घोषित कर दिया है। बहुचर्चित जो है यहाँ की जो है सीट मानी जा रही है नगर पालिका चेयरमैन को लेके, यहाँ जो कयास लगाए जा रहे थे पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, वैसे कई यहाँ पर जो है दावेदार थे, लेकिन आज पार्टी ने रास जो है साफ कर दिया है, यहाँ से जो है चेयरमैन पद की जो दावेदार हैं समाजवादी पार्टी ने इन्हें जो है शीला सिंह को जो है मैदान में उतारा है। तो बातचीत करने के लिए ABP गंगा से जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ शीला सिंह खुद मौजूद हैं, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पत्रकारों से जो है पार्टी के तमाम सारे मुद्दे भी यहां पर रखे हैं और बातचीत करेंगे। क्या कुछ खास रहेगा महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए जैसे आंगनवाड़ी में कार्यकर्ती सब काम करती हैं उनके लिए कुछ करेंगे, बहुत से महिलाओं के लिए
योजनाएं आई होंगी, अगर महिलाओं के लिए जो कोई योजना आती है मैं उस पर विश्वास रखती हूँ। शौचालय वगैरह है, रोड है, महिलाएं को यही सब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। खाली रोड है, नाली है, बच्चे में उनके बरसात में जाते हैं, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं वही कार्य कर रहा पूरे कर, और भी जो योजनाएं अगर आएंगी नगर पालिका में तो ये योजनाएँ महिलाओं के मैं पूरा करूँगी और ये पार्टी विकास में विश्वास दिलाती हूँ। बाराबंकी शहर की काफ़ी जो है ये जो चर्चित सीट थी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कई कैंडिडेट जो है फील्ड में थे, लगातार मैदान में जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अभी टिकट फाइनल हुआ आपका तो कुछ दिक्कतें आएंगी, पार्टी के ही लोग कहीं ना कहीं दिक्कत करेंगी? नहीं नहीं, कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी, हम लोगों का सब, हम सब लोग एक हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, सब अच्छा होगा। अभी बीजेपी ने अभी फाइनल नहीं किया है, यहाँ से पूर्व यहाँ पे जो है चेयरमैन रही हैं, तो क्या मानती हैं बीजेपी इस बार जो है जिताऊ कैंडिडेट मैदान में उतार रही है, तो कितना कड़ा मुकाबला रहेगा? अब बीजेपी के बारे में हम नहीं बता सकते, मैं अपना बताती हूँ कि मैं जीत के आऊँगी, जिले का नाम रोशन करूँगी। अच्छा ये बताइए कि क्या कुछ खास और रहेंगे? तमाम सारी दिक्कतें हैं, जाम की समस्या है, अगर बात करें कि पानी की समस्या है। अब जाम का तो प्रशासन करेगा जी, और पानी की दिक्कतें तो नगर पालिका से दूर होंगी तो भी पूरा करने का करूँगी। साफ सफाई पे भी सवाल भी करेंगे, वो करेंगे, वो तो हमारा फिर जब चेयरमैन बन जाओगे तो अपना होगा ना, तो फिर हम साफ सफाई नालियाँ वगैरह सब बच्चों के लिए सब करेंगे, पार्क वगैरह सब बनवाएंगे। तो देखिए ये थी शीला सिंह जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है घोषित उम्मीदवार हैं। अब जो है इनका साफ कहना है कि अगर वो चेयरमैन बनती हैं तो तमाम सारे जो अधूरे विकास हैं उनको पूरा करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।